पीक दोपहर में हम लोग आराम से डुगू, आराम से डुगू मेरे पीछे एक्चुअली हम लोग बगीचे की तरफ आए हैं क्योंकि मुझे प्लम खाने हैं और यही टाइम सही है तोड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ये रहा आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, यहीं कहीं तो प्लम्स भी हैं लगे हुए। और मैं आई हूँ दिन में बगीचे में, कल मेरा मन कर रहा था कि मैं प्लम जो है वो मैंने खाए थे एक्चुअली, तो मेरा मन कर गया कि मैं दोबारा खाऊं, पर मैंने यहाँ से नहीं खाए, अपने बगीचे में से तोड़ के नहीं खाए हैं। तो मैं देखने आई हूँ कि क्या यहाँ पर है, अगर है तो हम एक आधा देखेंगे, पिछली बार तो बहुत लगे थे, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर प्लम का। क्या मुझे धोखा हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्लम्स थे यहाँ पर। दिख रही है कहाँ है, कहाँ है बेटा? ये तो एप्पल है, जहाँ पर लीव्स है। जहाँ पर लीव्स हैं वहाँ पर प्लम ट्री है, पता नहीं मैं पीठ में कैसे लूँ। दुगु बोल रहा कि आप मुझे अपनी पीठ में लोगे। अरे कैसे थक गए, अभी तो चलना शुरू हुए। यहाँ है प्लम्स, इधर प्लम्स लगे हुए हैं, देखती हूँ यार, मुझे पता नहीं मुझे कोई पका होगा चाची जी। अरे ये तो ऐसे ही लग रहे हैं, मुझे पके हुए नहीं लग रहे, देखने में तो रेड है, नहीं पके हुआ, पका हुआ है। वहाँ देखो आप ऊपर कितने रेड है प्लम्स, बिल्कुल पर रेड है, खाने खाने के लिए भी ठीक होंगे ये पता नहीं, इस तरफ बिल्कुल कच्चे कच्चे हैं। मैं तोड़ती हूँ कोई एक आधा और तोड़ती हूँ, क्योंकि दिखने में बेशक रेड ज़रूरी नहीं है, नीचे यहाँ से गिरने के चांसेस भी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से फोन पकड़ सकते हो। पता नहीं आदमी ने क्या दिखाया क्या नहीं। मैं आप फोटो खींच गया गलती से। कोई बात नहीं बेटा, तो आप तो मेरा अच्छा बच्चा हो, आपकी फोटो गलती से क्या, हम तो जानबूझ के भी खींच सकते हैं। एप्पल्स देखो कि छोटे छोटे एप्पल्स हैं अभी। चले हम घर चले घर, हाँ चलो, यही लेने आई थी प्लम, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैंने चार प्लम्स तोड़ दिए हैं यहाँ से। पता नहीं ये ज़रूरी नहीं है कि रेड हो जाए तो ये कच्चा नहीं होगा, बट जिस तरीके से मैं इसको देख रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा पका नहीं हुआ है, बट खट्टा भी नहीं होगा ऐसा लग रहा है। पता नहीं कौन सी डिस्क्रिप्शन दी है मैंने इस टाइम प्लम की। चलो चलो चलो, इस टाइम यहाँ आना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना, तो क्या पता मैं शाम के टाइम एक बार और यहाँ पर चक्कर लगाऊँ। ये एक्चुअल में बहुत मीठा है, अच्छा है खाने को। सामने पहाड़ी पे देखो, देखो आप साइकिल जितनी जोर जोर से कर रहे थे ना, इसीलिए वहां पर धुआं निकलना शुरू हो गया, वहाँ शायद आग वगैरह लगाई है कहीं पर, गलती से हो गया। आपका आपके फेस पे इतने गंदे गंदे दाग क्यों पड़े हुए हैं? आपने जो भी खाया पता नहीं एक साइड को क्यों रगड़ते रहते हो अपने फेस को? हाँ किसने दिया? दादी तो बोलते हो आप कुछ नहीं खाते हो, बिल्कुल कुछ नहीं खाते हो, चीजी तो बहुत खाते हो। धुआं ये साइकिल बजा रहा था ना पापा जोर जोर से, तो ये साइकिल की वजह से वहां धुआं निकल गया। मैं दोबारा से जा रही हूँ, इस बार मेरे साथ आगने नहीं है, और पहले जो प्लम लाई थी ना वो बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे, इसलिए और पहले मैं चार ही तो लेके गई थी, और अब मैं कुछ और भी लेके जा रही हूँ यहाँ से, जो जो मुझे लगेंगे कि पक गए हैं वो मैं ले ही आऊँगी, क्योंकि वैसे भी नहीं तो वो एक दो दिन में नीचे ही गिरने हैं। और मन तो मेरा है कि मैं यहाँ बैठूँ भी थोड़ी देर, इस टाइम ना ऐसा नहीं है कि धूप चली गई है, धूप है अभी यहाँ पर, और मेरा मन भी है यहाँ बैठने का, लेकिन मैं छुटने को मुझे डर लगता है अकेले ना, अगर आगने भी मेरे साथ होता है तो मुझे डर नहीं लगता है कभी नहीं, बट चाहे जितना मर्जी है, बट चारों तरफ से
होता ना कईयों को, अच्छा तो लगती है ऐसी जगह बिल्कुल, लेकिन एक अंदर से एक डर सा भी फील होता है, तो वो चीज़ है। और वो पौधा का, पौधा ही बोलूँगी, छोटा सा ये वो जिसमें से हमने प्लम्स तोड़ने हैं। कहाँ गया मैं, आगे तो नहीं आ गई, तो यही प्रॉब्लम है, पता ही नहीं लगता। कहाँ गई, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं ज़्यादा आगे आ गई। और आगे जाके देख लेती हूँ। हाँ दिख गई, दिख गई, दिख गया मुझे पता। एक हैरानी की बात है, मैं थोड़ी देर पहले आई हूँ, यहाँ पर इतने सारे प्लम्स थे, या तो किसी ने तोड़े हैं मेरे जाने के बाद, और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है प्लम्स। अब दो हैं सिर्फ, इतने सारे रेड प्लम्स थे इस पे, कोई भी नहीं बचा। यार मुझे धूप में धोखा तो नहीं हो रहा, मैं जरा दूर से देखती हूँ। नहीं, वो प्लम्स तोड़ दिए गए हैं यहाँ से। चलो, हो सकता है हमारे घर से कोई लेके गया हो, पॉसिबल है कि कोई आया हो लेके गया हो। चल अब मैं फटाफट घर चलती हूँ यहाँ से, फॉर द सेम रीजन जो है, पता नहीं क्यों, पहले मैं बिल्कुल डरती नहीं थी, और अब मुझे ना अंदर से एक डर रहता है। चलो चलो भागते हैं। पता नहीं मैं सही चीज़ बोलूँगी कि नहीं, कि लालच बहुत बुरी बला है। मैं थोड़ी देर पहले गई थी प्लम्स लेने, तब तो मैंने आपको दिखाए भी थे कि वहाँ पर कितने सारे प्लम्स हैं, मैंने सिर्फ हार्डली 4 तोड़े और मैं घर आ गई। हो सकता है उसके बाद दोबारा कोई गया हो, लेकिन मुझे ऐसा था नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं ही एक हूँ जो अभी जाती हूँ, लेकिन मैं भूल गई कि यहाँ पर जो हमारे जिनसे हम हेल्प लेते हैं ना, वो लोग जैसे जाते हैं, तो शायद वो लोग भी तोड़ते होंगे बीच में, तो मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। मैं चली गई फटाफट कि मैं दोबारा से लेके आती हूँ अच्छे से। जब तक मैं गई, सिर्फ ये दो रेड प्लम्स मुझे मिले वहाँ, और कोई रेड प्लम मुझे नहीं मिला, सारे तोड़ के जा चुके थे। तो मक्की दूंगी, ठीक है, मक्की वो जिसके पॉपकॉर्न बनते हैं। अच्छा आपको याद है एक बार आपने परवानों में इतने सारे वो बनाए थे, इतनी सारी मक्की से, मक्की से भी बनाए थे और इसे गेहूं से बनाए थे। वही दूसरी पॉपकॉर्न होते हैं, एक दूसरी उसको बोलते हैं कांडा कुकड़ी। क्या कांडा कुकड़ी? कांडा कुकड़ी सफेद है दाना। अच्छा वो कहाँ गए होंगे? कौन? वो दुआ परे डुगु चला गया नीचे फिर से। डुगु तो परे है। अरे मेरा वो काम से, क्योंकि चाची मेरे ख्याल से ऊपर गए थे ओबरे के पास गौशाला। चलो भाई डुगु के लिए एक और फ्रेंड आ गया खेलने के लिए। माथा चिकराता था प्रिया मामी। माता जी आप ना चला करो ज्यादा, हाँ। आपके लिए ठीक नहीं है, आपने जो चलना है ना अंदर ही चलना, थोड़ी थोड़ा सा जब नहीं है ना, एक तो खाना भी खाया करो, कुछ नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते आप, बहुत कम खाना खाना कम खा के भी आता है फिर चक्कर। कि खाना कम खाते हो? खाना खूब खाना वाला डाइट। तो कहाँ कौन सी डाइट लेते हो? सुबह एक फुलका, दिन में एक फुलका, कोई डाइट थोड़ी ना है माता जी। आपको पता मैं कितना खाती हूँ? सारा दिन खाती हूँ कुछ ना कुछ। सारा दिन खाती एक फुलका। वो तो माता जी यहाँ पर ज्यादा काम कुम कुछ नहीं कर रहे ना इतना, नीचे तो फिर ये होता है ना, चाहे जो मर्जी एक रूटीन होता है पूरा दिन, सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ तो काम होता ही रहता है, टाइम का पता नहीं चलता। यहाँ पर सारा दिन यही है, जो सुबह से लेके दिन तक काम कर लिया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है करने के लिए, उसके बाद तो डायरेक्ट रात को है खाना बनाना, इसलिए यहाँ तो कम है काम, यहाँ सिर्फ एक काम होता है चाय पीने का। ठीक है ठीक है,
डुगु आपके आपका एक न्यू फ्रेंड आ गया बेटा। ब्यूटीफुल सनसेट विद स्ट्रीट लाइट, बहुत क्लियर सनसेट दिखता है यहाँ से, बहुत अच्छा। देखते हैं जब तक छुपेगा नहीं तब तक हम वीडियो को एंड नहीं करेंगे, और जैसे ही सन बिल्कुल सन बिल्कुल सेट हो जाएगा जब सनसेट हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। 1 2 मुझे पॉज लेना पड़ा और ये हो गया सनसेट पूरी तरह से।